Good morning, students. So we'll move on with the next structure, that is bones of thorax. So in the previous class we had studied about bones of upper arm. So now we'll start with the bones of thorax. So हम लोग पिछले क्लास में bones of upper arm के बारे में पढ़ा था. अब हम लोग पढ़ेंगे bones of thorax. तो ये जो skeletal system होगा, इसका thorax का जो skeleton होता है वो बना हुआ है sternum in the front, आगे में से sternum और ribs जो 12 pairs होता है, 12 pair है ribs का जो side में होता है और thoracic vertebra भी 12 है जो पीछे है. तो जो thorax का skeletal होता है ना वो बना हुआ है कुछ बोन से, जैसे कि sternum आगे में से sternum और ribs जो 12 pair होता है वो side में, दोनों side में, और thoracic vertebra होता है जो 12 होता है वो पीछे की तरफ से. सो इट इज़ यूजली द skeletal ऑफ दिस thorax, इट इज़ मेड अप ऑफ द फॉलोइंग बोन्स: sternum इन द फ्रंट, 12 pairs ऑफ ribs ऑफ द साइड्स, 12 thoracic vertebrae at the back. So we'll see one by one. So first is sternum. The sternum जो होता है ना, इसको एक और नाम से बोला जाता है, जैसे breast bone, जो एक flat bone है. जो flat bone है ये तीन प्रकार के डिवाइड हुआ है, ये तीन प्रकार के होते हैं, जो manubrium sterni, body of sternum एंड xiphoid bone. तो ये जो होता है ना sternum, जिसको हम बोलते हैं breast bone, ओके, जिसको हम बोलते हैं breast bone, और ये जो होता है ना flat होता है, ये जो होता है ना flat होता है, जो तीन प्रकार के होते हैं: manubrium sterni, body of sternum और xiphoid bone. ओके, manubrium sternum, body of sternum और xiphoid bone. तो ये तीन प्रकार के होते हैं. सो sternum इट इज़ यूजली कॉल्ड एज breast bone. इट इज़ flat bone एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, विच इज manubrium sterni, body of sternum एंड xiphoid bone. तो manubrium sterni क्या होता है, ये अपर पार्ट होता है. ये manubrium sterni जो होता है ना वो अपर पार्ट होता है, जो ट्रायंगुलर शेप में होता है, जो ट्रायंगुलर शेप में होता है. देखो ये जो होता है ना अपर पार्ट, ये हो गया manubrium, जो ट्रायंगुलर शेप में होता है. तो इसमें क्या होता है, क्लाविकुलर नॉच होता है दोनों साइड में, और ये नॉच होता है ना क्लाविकल से जुड़ जाता है. क्लाविकुलर नॉचेस होता है दोनों साइड में और ये क्लाविकल से जुड़ जाता है. उसके बाद सुप्रास्टर्नल नॉच होता है, जो ये दो क्लाविकुलर नॉच होता है ना, मैंने बोला था दो क्लाविकुलर नॉच होते हैं, इसके बीचों बीच में सुप्रास्टर्नल नॉच होता है, इसके बीचों बीच में सुप्रास्टर्नल नॉच होता है. और तीसरा उसमें हो गया आर्टिकुलर सर्फेसिस, जहाँ पे फर्स्ट रिब होता है ना वो बोथ साइड्स जॉइन हो जाता है. फर्स्ट रिब होता है ना उसके दोनों साइड जॉइन होता है. सो दैट इज यूजली अबाउट दिस manubrium sterni. manubrium sterni क्या होता है, ये अपर पार्ट होता है जिस ट्राइंगुलर शेप में होता है. इसमें तीन इसमें जो जो manubrium sterni में क्या क्या होता है, क्लाविकुलर नॉचेस होता है, सुप्रास्टर्नल नॉच होता है और आर्टिकुलर सरफेस होता है. क्लाविकुलर नॉच क्या होता है, ये दोनों साइड होता है और ये क्लाविकल से जुड़ जाता है. सुप्रास्टर्नल नॉच होता है, ये क्लाविकुलर नॉच के बीचों बीच होता है. और जो आर्टिकुलर सरफेस होता है ना, ये दोनों साइड में होता है जहाँ पे फर्स्ट रिब होता है. सो दैट इज यूजली अबाउट दिस manubrium sterni. सो दिस इज द अपर पार्ट विच इज ट्राइंगुलर इन शेप. इट कंटेन्स क्लाविकुलर नॉचेस ऑन बोथ द साइड्स. दिस नॉचेस लाइक आर्टिकुलेट्स विद द क्लाविकल. एंड नेक्स्ट इज सुपरस्टर्नल नॉच, विच इज यूजली प्रेजेंट इन बिटवीन दिस क्लाविकुलर नॉचेस. एंड नेक्स्ट इज आर्टिकुलर सर्फेसिस, विच इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स फॉर द फर्स्ट रिब. एंड नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ स्टर्नम. तो बॉडी ऑफ स्टर्नम क्या होता है, ये सेकेंड रिब होता है ना, ये अटैच होता है इसमें जंक्शन, manubrium के जंक्शन और बॉडी स्टर्नम के. ओके, सब बॉडी ऑफ स्टर्नम में क्या होता है, ये सेकेंड रिब अटैच होता है. सेकेंड रिब अटैच होता है कहाँ पे, जंक्शन होता है ना manubrium sterni और बॉडी ऑफ स्टर्नम में. तो ये जो जंक्शन होता है ना, ये जो जंक्शन होता है, यहाँ से बॉडी ऑफ स्टर्नम होता है, यहाँ से बॉडी ऑफ स्टर्नम होता है. सो ये जो जंक्शन होता है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ लडवीक. ओके, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ लडवीक. तो ये जो होता है ना, यहाँ से शुरू होता है बॉडी ऑफ स्टर्नम. क्या होता है, जो सेकेंड रिब होता है ना, वहाँ से शुरू होकर सेवेंथ रिब तक जो ये भी ये सब है ना, ये सब बॉडी ऑफ स्टर्नम है. ये जंक्शन का manubrium, ये manubrium है. manubrium में manubrium जो जंक्शन होता है ना, तो manubrium और बॉडी ऑफ स्टर्नम में जंक्शन होता है, यहाँ से शुरू होता है. सो दैट इज यूजली अबाउट दिस बॉडी ऑफ स्टर्नम. सो बॉडी ऑफ स्टर्नम, सो दैट इज यूजली द सेकेंड रिब इज अटैच द जंक्शन बिटवीन द manubrium sterni एंड बॉडी ऑफ sternum, and this junction is usually called as angle of Ludwig, and the body of sternum has attachments for 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th rib. So that is usually, this is the junction, that is manubrium and body sternum. So second rib is attached here. So from here to the 7th rib, this is usually known as body of sternum. So next is xiphoid process. So xiphoid process is the lower part of the sternum. This is attached to the diaphragm. Okay, this is attached to the diaphragm, linea alba and rectus abdominis muscle. The xiphoid bone, it is the lowest part of the sternum. So this is attached to the diaphragm, linea alba and rectus abdominis muscle.
तो ज़िफ़ोइड प्रोसेस क्या होता है, ये लोअर पार्ट है स्टर्नम का जो डायफ्राम लीनिया एल्बा और रेक्टस एब्डोमिनस मसल से जुड़ा हुआ है, डायफ्राम लीनिया एल्बा एंड रेक्टस एब्डोमिनस मसल से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया स्टर्नम। तो स्टर्नम क्या होता है, दिस इज विच इज कॉल्ड एज ब्रेस्ट बोन एंड दिस इज हैविंग थ्री पार्ट्स, इट इज मैनिब्रम स्टर्नी, बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड ज़िफ़ोइड बोन। सो नेक्स्ट इज रिब्स। द रिब्स आर यूजली अरेंज इन 12 पेयर्स ऑन बैक साइड, ऑन द बैक साइड ऑल ऑफ देम आर अटैच्ड टू थोरासिक वर्टिब्रे। तो दैट इज रिब्स क्या होता है, ये 12 पैर होते हैं जो अटैच पीछे की तरफ से, मतलब आगे साइड में होता है और पीछे की तरफ से ये थोरासिक वर्टिब्रे से अटैच हुआ है। तो ये जो क्लासिफाई होता है ना, इसमें मतलब तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन हुआ है। तो इसमें तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन हुआ है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स होता है जो अपर 7 पेयर्स होता है, ट्रू रिब्स वो होता है जो अपर 7 फ्रेम्स पेयर्स होता है ना, उसको 7 पेयर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, जो स्टर्नम से अटैच हुआ है डायरेक्टली। जैसे कि मैंने बोला था ना, स्टर्नम में फर्स्ट से लेकर 7 रिब जो होता है वो बॉडी ऑफ स्टर्नम में जो है वो ट्रू रिब्स है। फॉल्स रिब्स होता है जो 5 पेयर होते हैं नीचे की तरफ, जो इनडायरेक्टली अटैच हुआ है स्टर्नम से, कैसे, कोस्टल कार्टिलेजेस से, ओके, जो इनडायरेक्टली अटैच हुआ है स्टर्नम से बाय कोस्टल कार्टिलेजेस। और तीसरा हो गया फ्लोटिंग रिब्स, तो बहुत ही नीचे की तरफ, मतलब ये लोवेस्ट 2 पेयर्स है, जो लोवेस्ट 2 पेयर्स है जो मतलब अटैच नहीं हुआ है सामने से, ओके, जो अटैच नहीं हुआ है सामने से। दैट इज यूजली सन रिब्स क्या होता है, 12 पैर होते हैं जो पीछे की तरफ से थोरासिक वर्टिब्रे से अटैच हुआ है, और ये अटैचमेंट को लेकर ये क्लासिफाई हुआ है ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स वो होता है जो मतलब ऊपर वाला जो 7 रिब होता है उसको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, और फॉल्स रिब्स होता है जो नीचे वाला 5 पैर है उसको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स होता है जो बहुत ही नीचे है 2 पैर, उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, जो सामने से अटैच नहीं हुआ है। तो रिब्स आर यूजली अरेंज इन 12 पेयर्स, ऑन द बैक साइड ऑल ऑफ देम आर अटैच टू थोरासिक वर्टिब्रे, एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर अटैचमेंट दे आर यूजली क्लासिफाइड एज ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स आर यूजली द अपर 7 पेयर्स दैट इज अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम, फॉल्स रिब्स आर यूजली द 5 लोअर 5 रिब्स दैट इज इनडायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम थ्रू कोस्टल कार्टिलेजेस, एंड फ्लोटिंग रिब्स आर दोज लोएस्ट 2 पेयर्स विच इज अटैच इज नॉट अटैच इन द फ्रंट। तो रिब्स यूजली कंसिस्ट ऑफ anterior or sternal end, posterior or vertebral end and shaft. So ribs consists of anterior or sternal end. So ribs usually consists of the following. The parts of ribs are usually like anterior or sternal end, posterior or vertebral end and a shaft. Anterior or sternal end, it has depression for attachment of costal cartilage. Okay, anterior sternal end, it has depressions for attachment of costal cartilages. Posterior vertebral end, it has head, neck and tubercle. Okay, posterior or vertebral end, it has head, neck and tubercle. Next, shaft. Shaft, it usually consists of two surfaces, two borders. Okay, it consists of two surfaces, which is inner and outer surface, and two borders, which is upper and lower border, and third one is subcostal group, which is present inside the inner surface. This usually contains intercostal vessels and nerve. Okay, it usually contains intercostal vessels and nerve. तो रिब क्या होता है, इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि एंटीरियर स्टर्नल एंड होता है, पोस्टीरियर वर्टिब्रल एंड होता है और एक शाफ्ट होता है। एंटीरियर स्टर्नल एंड क्या होता है, उसमें ना एक डिप्रेशन मतलब एक दबा हुआ जैसा होता है, एक दबा हुआ जैसा होता है, जो इसलिए दबा हुआ जैसा जैसे में अटैचमेंट होता है कोस्टल कार्टिलेज से। पोस्टीरियर वर्टिब्रल एंड मतलब इसमें ना हेड, नेक और ट्यूबरकल होता है, और शाफ्ट में क्या होता है, दो सर्फेस होते हैं, दो बॉर्डर होता है और एक सब कोस्टल ग्रूव होता है। दो सर्फेस जैसे कि इनर और आउटर सर्फेस होता है, दो बॉर्डर मतलब अपर एंड लोअर बॉर्डर होता है। सब कोस्टल ग्रूव में क्या होता है, वो इनर सर्फेस में प्रेजेंट होता है जिसमें इंटरकोस्टल वेसल्स और नर्व होता है। सो दैट इज यूजली अबाउट दिस रिब्स। रिब्स यूजली कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स। सो नेक्स्ट इज कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज, इट इज यूजली अ बार ऑफ हाइलैंड कार्टिलेज, दे कनेक्ट द रिब्स एंड स्टर्नम। तो कोस्टल कार्टिलेज क्या होता है, वो हाइलैंड कार्टिलेज होता है जो रिब्स और स्टर्नम को कनेक्ट करता है, जो रिब्स और स्टर्नम को कनेक्ट करता है। सो दैट इज कोस्टल कार्टिलेजेस। सो नेक्स्ट इज वर्टिब्रल कॉलम। सो वर्टिब्रल कॉलम, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ बोन्स। ओके, द वर्टिब्रल कॉलम मेड अप ऑफ नंबर ऑफ बोन्स, देन दिस बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रे। ओके, दिस बोन्स आर कॉल्ड vertebrae, so that is mainly the spinal column. Okay, that is usually mainly the spinal column, so these bones are called as vertebrae. In all there are 33 vertebrae. Okay, they are all they are actually about 33 vertebrae. So classification, it is mainly done there according to the thing: cervical vertebrae, thoracic vertebrae, lumbar vertebrae, sacral vertebrae, coccygeal vertebrae.
So classification of vertebrae, it is usually according to the region that they occupy. It is classified into cervical vertebrae, which are 7 in number, and they usually form the neck region. Thoracic vertebrae, which is 12 in number, they form the back of the thorax region. Lumbar vertebrae, which is 5 in number, they form the lumbar region. Sacral vertebrae, they are 5 in number, they form the sacrum. Coccygeal vertebrae, they are 4 in number, that usually forms the coccyx. तो ये दैट इज इश्यू अबाउट दिस वर्टिबल कॉलम. सो वर्टिबल कॉलम क्या होता है, इसको एक और नाम से बोलता है स्पाइनल कॉलम, और ये बहुत सारे हड्डियों से बनाया हुआ है, और इस हड्डियों को हम बोलते हैं वर्टिब्रा. तो यहाँ पे एटलीस्ट जैसे कि इसमें ना 33 वर्टिब्रे होते हैं. तो इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है ना वर्टिब्रा का, वो क्लासिफिकेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू रीजन. ओके, वो क्लासिफिकेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू रीजन. जैसे कि 5 प्रकार के वर्टिब्रे होते हैं, जैसे कि सर्विकल वर्टिब्रे, थोरासिक वर्टिब्रे, लंबा वर्टिब्रे, सेक्रल वर्टिब्रे और कॉकीजियल वर्टिब्रे. सर्विकल वर्टिब्रे 7 प्रकार मतलब काउंट में कितना है, 7 होते हैं जो नेक रीजन में बनता है. थोरासिक वर्टिब्रे 12 होते हैं जो पीछे थोरास का पीछे की तरफ बनता है. लंबार वर्टिब्रे जो 5 होते हैं वो लंबार रीजन बनता है. सेक्रल वर्टिब्रे 5 होते हैं जो सेक्रम बनता है. और कॉकीजियल वर्टिब्रे जो 4 होता है वो कॉकिक्स बनता है. सो दैट इज, ये हो गया वर्टिबल कॉलम, सॉरी वर्टिबल कॉलम. तो हम लोग अब एक एक करके देखते हैं इसमें कौन सा क्या क्या होता है. तो हम लोग यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं वर्टिब्रा का. तो स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें एक बॉडी होता है जो मतलब बॉक्स शेप होता है एंटीरियर पार्ट. ओके, तो बॉक्स शेप होता है जो एंटीरियर पार्ट होता है, और ये कॉनकेव होता है ऊपर से और लोअर सरफेस में. जो कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने. कॉनकेव मतलब मोटा सा होता है जो अपर और लोअर सरफेस में होता है, जो अपर और लोअर सरफेस में होता है. और दूसरा हो गया न्यूरल आर्च. न्यूरल आर्च पोस्टीरियर पार्ट है जिसमें 2 पेडिकल्स होता है जो मतलब पीछे की तरफ प्रोजेक्ट होता है. 2 लैमिने होता है जो पीछे की तरफ होता है, और ये मिड लाइन में कनेक्ट होता है, मिड लाइन में कनेक्ट होता है. और दूसरा तीसरा हो गया 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस जो दोनों साइड में होता है, और ये जंक्शन में होता है, पेडिकल और लैमिना के जंक्शन में होता है. कहाँ पर होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस, पेडिकल और लैमिना के जंक्शन में होता है. और एक स्पाइनस प्रोसेस होता है जो पीछे की तरफ ही प्रोजेक्ट हो रहा है, मतलब ये 2 लैमिना जब यूनाइट होता है ना, जो 2 लैमिना जब मिलते हैं मिड लाइन में. ओके, ये कहाँ पे है, जब 2 लैमिना मिलता है लैमिना में वहाँ पे पाया जाता है. और 2 आर्टिकुलर प्रोसेस होता है जो अपर और लोअर सरफेस में होता है, और ये पेडिकल और लैमिना के बीचों बीच में होता है, मगर ट्रांसवर्स प्रोसेस के नज़दीक होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस के नज़दीक में होता है. और दूसरा नेक्स्ट हो गया न्यूरल कैनल. वो सर्कुलर ओपनिंग है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड पास होता है. न्यूरल कैनल जो सर्कुलर ओपनिंग होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है. तो स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल वर्टिब्रे में क्या होता है, एक बॉडी होता है जो एंटीरियर पार्ट होता है. ये बॉडी जो होता है ना वो कॉनकेव होता है, मतलब थोड़ा सा मोटा होता है अपर और लोअर सर्फेस में. और दूसरा हो गया न्यूरल आर्क होता है जो पोस्टीरियर पार्ट होता है. इसमें 2 पेडिकल होते हैं और 2 लैमिने होते हैं जो पीछे की तरफ प्रोजेक्ट होता है और मिड लाइन में मिलते हैं. 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है जो दोनों साइड में होते हैं, जो पेडिकल और लैमिना के जंक्शन में होता है. और चौथा हो गया एक स्पाइनस प्रोसेस होता है जो बैकवर्ड प्रोजेक्शन होता है. जो बैकवर्ड प्रोजेक्शन होता है मतलब यहाँ पे कहाँ पे मिलता है, ये जो लैमिना जब 2 लैमिना जब यूनाइट होता है ना, मिलता है ना, तो वहाँ पे होता है. और पांचवा हो गया 2 आर्टिकुलर प्रोसेस होता है जो अपर और लोअर सरफेस में होता है, मतलब ये जंक्शन मतलब पेडिकल और लैमिना के जंक्शन में होता है, मगर ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के नज़दीक में होता है. और छठा हो गया न्यूरल कैनाल जहाँ पे एक सर्कुलर ओपनिंग है जो स्पाइनल कॉर्ड जिसमें से पास होता है. सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल वर्टिब्रे. सो इट कंटेन्स अ बॉडी विच इज एंटीरियर पार्ट, इट इज स्लाइटली कॉनकेव इन द अपर एंड लोअर सर्फेस. न्यूरल आर्च विच इज पोस्टीरियर पार्ट, इट कंटेन्स 2 पेडिकल्स एंड 2 लैमिने. 2 पेडिकल्स विच इज प्रोजेक्टिंग बैकवर्ड एंड 2 लैमिने विच इज बैकवर्ड टू मीट बिहाइंड द मिड लाइन. ओके, टू मीट बिहाइंड द मिड लाइन. सो नेक्स्ट इज 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस विच इज देयर ऑन वन ईच साइड एंड दे लाई इन द जंक्शन बिटवीन द पेडिकल एंड लैमिने. 1 स्पाइनस प्रोसेस विच इज अ बैकवर्ड प्रोजेक्शन एंड इट यूजली अकर्स वेट द 2 लैमिने यूनाइट इन मिड लाइन. 2 आर्टिकुलर प्रोसेसेस, इट इज अपर एंड लोअर सर्फेस, दे लाई एट द जंक्शन बिटवीन पेडिकल एंड लैमिने. न्यूरल कैनल, सो दिस इज ऑल्सो सर्कुलर ओपनिंग विच इज यूजली लाइक वेर द स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस पासिस थ्रू. ओके, वेर स्पाइनल कॉर्ड पासिस थ्रू दिस. सो दैट इज यूजली अबाउट द स्ट्रक्चर. तो दूसरा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक एक करके जो वर्टिब्रे मैंने बोला था, सर्विकल, थोरासिक, लंबार, सेक्रल, कॉकीजियल. सर्विकल वर्टिब्रे क्या होता है, ये 7 नंबर होता है, मैंने बोला था ना 7 प्रकार के होते हैं. तो फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रे को हम बोलते हैं एटलास. फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रे को हम बोलते हैं एटलास. द सेकेंड
सर्वाइकल वर्टिब्रल को हम लोग एक्सेस बोलते हैं। और ये जो दो सर्विकल वर्टिब्रे है ना, उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है जब हम लोग दूसरे वर्टिब्रे से कंपेयर करेंगे। तो दूसरे वर्टिब्रे से हम लोग कंपेयर करेंगे तो सर्विकल वर्टिब्रे सात होता है। जो फर्स्ट होता है ना उसको हम लोग अटलास बोलते हैं, जो सेकेंड होता है उसको हम लोग एक्सेस बोलते हैं, और इसका स्ट्रक्चर अलग है कम्पेयर टू अदर थिंग। थर्ड इज यूजली सर्विकल वर्टिब्रा, देर यूजली 7 इन नंबर। द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड एज एटलास, इन द सेकेंड वन इट इज कॉल्ड एज एक्सेस, एंड दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स व्हेन कंपेयर्ड टू अदर्स। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। अटलास क्या होता है? एक फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे होता है। ये क्या होता है? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे होता है। इसमें ना बॉडी नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है? ये बॉडी नहीं होता है, इसमें ना बॉडी नहीं होता है, और ये स्पाइनस प्रोसेस भी नहीं होता है। उसमें अपर सरफेस में क्या होता है? दो फैसेट होता है। ओके, इसमें अपर सरफेस में फैसेट होता है। जो फैसेट कहाँ पे होता है? ऑसिपिट के कॉन्डाइल्स में कनेक्ट होता है, और जुड़ जाता है ऑसिपिट के ऑसिपिटल बोन के कॉन्डाइल्स में जुड़ जाता है। तो दैट इज यूजली व्हाट हैपन एट अटलास। इट इज यूजली व्हाट इज दैट? इट डज नॉट हैव बॉडी, इट डज नॉट हैव स्पाइनस प्रोसेस। ऑन द अपर सर्फेस इज आर टू फैसेट एंड दिस आर्टिकुलेट विद द कॉन्डाइल्स ऑफ ऑसिपिटल बोन। सो दैट इज यूजली अबाउट दिस अटलास। अटलास में जिसमें बॉडी नहीं होता है, स्पाइनस प्रोसेस भी नहीं होता है, और जो अपर सर्फेस में दो फैसेट होता है जो जुड़ जाते हैं, किसके साथ जुड़ते हैं? कॉन्डाइल्स ऑफ ऑसिपिटल बोन। और दूसरा हो गया एक्सेस, ये दूसरा बोन है। इसमें क्या क्या होता है? ऑन्डोटॉइन प्रोसेस होते हैं, दो फैसेट होते हैं और एक स्पाइन होता है। ऑन्डोटॉइन प्रोसेस क्या होता है? एक अपर प्रोजेक्शन होता है बॉडी का, जहाँ पे लाइक अटलस का एंटीरियर आर्क होता है ना, उससे जुड़ जाता है। अटलस का एंटीरियर आर्क होता है ना, उससे जुड़ जाता है। और दो फैसेट होता है जो एंटीरियर सर्फेस में होता है, मतलब सामने की तरफ होता है, और ये अटलस के साथ जुड़ जाता है। और स्पाइन होता है जो एक छोटा सा होता है, स्पाइन होता है जो छोटा सा होता है। That is usually about this axis. So axis is the second cervical vertebrae. It contains odontoid process, which is an upward projection from the body. It articulates with anterior arc of atlas. Two facet on the anterior surface. They articulate with atlas. A spine, which is small and. और दूसरा मतलब other cervical vertebrae में क्या होता है? वो मतलब दो हो गया, अभी पांच बाकी है। तो जो बाकी का पांच होता है ना, उसमें smaller body होता है, वो oblique shape होता है, ट्रायंगुलर न्यूरल केनाल होता है, स्पाइनस प्रोसेस होता है, बिफिड वर्टिब्रल फोरामेन होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस में। सो दैट इज यूजली अबाउट दिस। द अदर सर्विकल वर्टिब्रे विच इज यूजली द लोअर फाइव, द फीचर्स व्हाट वी हैज अ स्मॉल सर्विकल वर्टिब्रे विच इज प्रेजेंट, दे आर यूजली हैविंग लोअर फाइव। सो द फीचर्स दैट वी हैव, व्हाट इज दैट? दे विल बी हैविंग अ स्मॉल बॉडी, ऑब्लिक शेप, ऑब्लॉन्ग शेप, ट्रायंगुलर एंड न्यूरल केनाल, बिफिड स्पाइनस प्रोसेस विल बी देयर, वर्टिब्रल फोरामेन विल बी देयर इन द ट्रांसवर्स प्रोसेस। So that is usually about this cervical vertebra. So they are usually about 7. The first two it is called as axis and atlas. Atlas and axis. So next thoracic vertebra है। Thoracic vertebra में मैंने 12 बोला था, जहाँ पे वो ribs को carry करता है, ribs को carry करता है। तो इसका features जो होता है ना vertebra, तो body क्या होता है? Heart shape में होता है। Body में facet होता है दोनों प्रकार से, जो ribs को attach हुआ होता है, और जो transverse process होता है जो ट्यूबिकल ऑफ रिब से जुड़ जाता है। वर्टिब्रल फोरामेन उसमें एब्सेंट है, पेडिकल एंड लैमिने भी एब्सेंट है, स्पाइनस प्रोसेस है जो बहुत ही ज़्यादा लंबा है और नीचे की तरफ प्रोजेक्ट होता है, नीचे की तरफ प्रोजेक्ट होता है। तो थोरासिक वर्टिब्रा क्या होता है? 12 के होते हैं जो रिब्स को कैरी करता है। और इसमें जो फीचर्स है ना इसका, वो है बॉडी जो होता है हार्ट शेप में होता है, बॉडी में फेसेट होता है दोनों साइड में होता है, जो हेड के रिब्स का हेड के अटैच होता है, और ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है जिसमें वो टिप्स फॉर आर्टिकुलेशन मतलब वो ट्यूबिकल ऑफ रिब से जुड़ जाता है। वर्टिब्रल फोरामेन होता है मतलब एब्सेंट होता है, पेडिकल एंड लैमिने भी एब्सेंट होता है, और जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो लंबा और डाउन मतलब नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करता है। सो दैट इज यूजली थोरासिक वर्टिब्रे, देयर शुड 12 इन नंबर्स। दिस वर्टिब्रे कैरी रिब्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इट इंक्लूड्स दैट बॉडी इज हार्ट शेप, बॉडी हैज फेसेट वन ऑन ईच साइड फॉर द अटैचमेंट ऑफ हेड ऑफ रिब्स, the transverse process as the facet, the tip of the tip for articulation with the tubercle of ribs, vertebral foramen is absent, pedicle and laminae are also absent, spinous process is long and projects downward. So next is lumbar vertebrae. Lumbar vertebrae, they are usually 5 in numbers. They are also having characteristics. The body is big and it is kidney shaped. Spinous process, it is short when compared to thoracic vertebrae, and also it is directed to down backward. Okay, पीछे की तरफ direct हुआ है। आर्टिकुलेट फैसेट नहीं है रिप्स का, रिप्स के लिए आर्टिकुलर फैसेट नहीं मिलता है इसमें। पेडिकल एंड लैमिनेट प्रेजेंट है, पेडिकल एंड लैमिनेट प्रेजेंट है। तो
तो लंबा वर्टिब्रे कितना होता है, ये पांच होते हैं, जिसमें बॉडी होता है बिग होता है, मतलब उसका बॉडी बहुत बड़ा होता है, किडनी शेप में होता है। स्पाइनस प्रोसेस जो होता है ना छोटा होता है और ये पीछे की तरफ डायरेक्ट हुआ है और इसमें आर्टिकुलेट फैसेट नहीं है, पेडिकल और लैमिने इसमें प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट इज सेक्रल वर्टिब्रे, दे आर ऑल्सो फाइव इन नंबर। सो दे ऑल यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल बोन कॉल्ड सेक्रम। ओके, दे ऑल यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल बोन कॉल्ड सेक्रम। The sacrum, the sacrum bone will join with the pelvic bone and they are usually form, helpful in the formation of pelvic cavity. Sacral vertebrae, they are usually five in number. All of them unite to form a single bone called sacrum and the sacrum joins with the pelvic bone and forms the pelvic cavity. And the, so sacral vertebrae क्या होता है, ये पांच होता है, इसमें ना सभी bones, ये पांच bones जो होते हैं ना सब मिलके वो एक सिंगल बोन बनते हैं जिसको हम बोलते हैं सेक्रम। और सेक्रम क्या होता है, पेल्विक बोन से जुड़ जाता है और पेल्विक कैविटी बनता है। सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस थिंग। सो द फीचर्स इट इंक्लूड्स दैट इट इंक्लूड्स सेक्रल फोरामिने। सो दे आर यूजुअली फोर ओपनिंग्स विच इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर सर्फेस थ्रू विच नर्व पासस। ओके, थ्रू विच नर्व पासस। सो सेक्रल फोरामिना विच इज अ फोर ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द एंटीरियर सर्फेस थ्रू विच नर्व पास। तो इसका फीचर्स क्या होता है, सेक्रल फोरामिने है जिसमें चार ओपनिंग होता है जो एंटीरियर सर्फेस में प्रेजेंट होता है, जिसमें नर्व्स पास होता है, जिसमें नर्व्स पास होता है। उसके बाद हो गया लैटरल मासस अदर साइड। ओके, लैटरल मास होता है जो दूसरे अदर साइड में होता है, ये बनता है जब ट्रांसवर्स प्रोसेस मतलब ट्रांसवर्स प्रोसेस से बनता है। सेक्रल प्रोमोनेंट्री वेर इज प्रोजेक्शन होता है जो अपर पार्ट ऑफ द सेक्रम होता है, प्रोजेक्शन होता है जो अपर पार्ट ऑफ द सेक्रम होता है। तो नेक्स्ट इज लैटरल मासस ऑन ईच अदर साइड, दे फॉर्म ऑन द यूनियन ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। सेक्रल प्रोमोनेंट्री विच इज द प्रोजेक्शन एट द अपर पार्ट ऑफ द सेक्रम। सो दैट इज यूजुअली अबाउट द सेक्रल वर्टिब्रे, दैट इज द फाइव बोन, दे ऑल टुगेदरली फॉर्म द सेक्रम। सो नेक्स्ट इज कॉकिजियल वर्टिब्रे, दे आर फोर इन नंबर्स, ऑल ऑफ देम यूनाइट टू फॉर्म द बोन कॉकिक्स। ओके, ऑल ऑफ देम यूनाइट टू फॉर्म द बोन कॉकिक्स। सो दिस आर द बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज सर्विकल वर्टिब्रे, थोरासिक वर्टिब्रे, लंबा वर्टिब्रे, सेक्रल वर्टिब्रे एंड कॉकिजियल वर्टिब्रे। सो नेक्स्ट इज लिगामेंट्स। लिगामेंट्स आर यूजुअली द वर्टिब्रल, थ्रू दिस लिगामेंट्स दे आर यूजुअली हेल्ड, वर्टिब्रे हेल्ड टुगेदर बाय दिस लिगामेंट्स। ओके, दे आर यूजुअली हेल्ड टुगेदर, द वर्टिब्रास आर हेल्ड टुगेदर बाय दिस लिगामेंट्स। वर्टिब्रे जुड़ के रहता है इस लिगामेंट्स के कारण। ओके, वर्टिब्रे जुड़ के रहता है इस लिगामेंट्स के कारण। तो कौन से लिगामेंट्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट। तो सामने और पीछे की तरफ जो लिगामेंट्स हैं, ये स्पाइन की जो लेंथ है ना, कितना लंबा स्पाइन है उतना लंबा स्पाइन तक ही जाता है, उतना लंबा स्पाइन तक जाता है। उसके बाद लिगामेंटा फ्लेवा, ये लैमिना को कनेक्ट करता है। सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, ये स्पाइनस स्पाइंस के बीचों बीच होता है, स्पाइंस के बीचों बीच होता है, उसको कनेक्ट करता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये फाइब्रोकार्टिलेज से बना हुआ है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क ये फाइब्रोकार्टिलेज से बना है। लिगामेंट जो होता है ना, ये वर्टिब्रे को जोड़ के रखता है, जैसे कि एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट, लिगामेंटा फ्लेवा, सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट और इंट्रावर्टिब्रल डिस्क। तो लिगामेंट्स आर दोस विच यूजुअली हेल्ड टुगेदर, इट विल हेल्प, इट विल मेक द वर्टिब्रल्स टू हेल्प टू बी टुगेदर। सो इट इंक्लूड्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट, सो दैट यूजुअली रन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्पाइन। लिगामेंटा फ्लेवा विच कनेक्ट्स द लैमिना एंड देन सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, इट लाइज इन बिटवीन द स्पाइंस एंड कनेक्ट देम। इंट्रावर्टिब्रल डिस्क, दे आर मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। सो दिस आर यूजुअली अबाउट दिस बोन्स ऑफ थोरैक्स।